a heart's beat to the city. Hey guys, welcome back to our channel. So guys, ये मेरा first haul होने वाला है इस channel पे and ये आज होगा मीशो का haul. तो मेरे पास एक बहुत सारे orders हैं जैसे आप देख सकते हो. तो guys, काफी search करने के बाद मैंने बहुत सारे parcel order करे थे and बहुत अच्छे products हैं. आप लोग को अभी दिखाऊंगी. But सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज अभी जाके करो एंड वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आप लोग को बहुत ज्यादा सस्ते और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं. ये मीशो का हॉल है तो प्लीज एंड तक देखना. तो गाइज, ये मेरा फर्स्ट हॉल होने वाला है इस चैनल पे, तो प्लीज ढेर सारा प्यार देना एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, जो ये सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये सबकी रेंज ना 300 से लेकर 650 या 690 तक जाने वाली है. तो गाइज चलो, ये पहला ऑर्डर खोलती हूँ. जो ये सारे ऑर्डर्स है ना, ये मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ एंड अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एंड एकदम सही रिव्यू आपको दूंगी. आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का फैब्रिक कैसा है, तो वो मैं सब कुछ अब शेयर करने वाली हूँ, ठीक है. एंड जिसने वीडियोज नहीं देखी, प्लीज मेरे पेज पे जाओ इंस्टा पे एंड इंस्टा की आईडी नीचे मेंशन है, उस पर जाइए एंड देखिए सारी वीडियो. तो गाइस, जो ये पहला ऑर्डर है ना, ये एक प्रिंटेड कुर्ता सेट है एंड सिर्फ इसकी रेंज अगर बताऊं मैं तो ये बहुत सस्ता है, इतने में तो फैब्रिक भी नहीं आता है. तो इसकी रेंज है 353 एंड इसमें ना टू कलर ऑप्शंस है, ब्लू कलर और पिंक कलर है. तो मुझे पिंक कलर पसंद था इसलिए मैंने पिंक कलर मंगाया है. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. आप लोग ही ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी वीडियो जो मैंने इसे पहन के ट्राई करा था. ये इसका कुर्ता है एंड स्लीवलेस है. यहाँ पे ना इन्होंने नेक पे वी नेक दे रखा है और उसमें लेस लगा रखी है. बाकी मैंने ये साइज मंगवाया था एल एंड ये है पैंट्स इसकी. पैंट इसमें पॉकेट नहीं है. पॉकेट वैसे होनी चाहिए, पता है जरूरत होती है फोन वोन रखने के लिए. वैसे कोई नहीं यार, 350 में और क्या ही मिलता है, पॉकेट तो नहीं मिली, बाकी सब कुछ तो अच्छा लग रहा है. कॉटन है, प्योर कॉटन है, समर्स के लिए तो बेस्ट है ये. तो मेरे को ना ओवरऑल प्रोडक्ट वैसे बहुत अच्छा लगा ये पहना मैंने, बट इसका थोड़ा कॉटन का जो फेब्रिक है ना, ये वो थोड़ा और अच्छा हो सकता है, बिकॉज थोड़ा ही व्हाइट है, थोड़ा ट्रांजी होगा, तो इसलिए आपको इसमें इनर यूज करना ही पड़ेगा. बाकी समर्स में तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको पहनने में, क्योंकि बहुत हल्का है एंड तो मेरे तरफ से तो रिव्यू सही है इसका एंड आप लोग बाय कर सकते हैं, अच्छा रहेगा. तो चलो गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ. सो जो हमारा नेक्स्ट वाला है, ये है कॉट सेट है, ये ब्लैक ट्रेंडी वुमेन वियर कॉट सेट एंड इसकी रेंज है 624. शायद मुझे याद आ रहा है या बढ़ गया है इसका रेंज, जो मैंने मंगवाया था अभी दो तीन दिन पहले, तो ये मुझे 600 का पड़ा था. चलो मैं दिखाती हूँ. ये कुछ इस तरह है, इसकी स्लीव्स पे ना यहाँ पे नेट यूज करा गया है एंड वो जो सीपिया नहीं होती थी, ऐसा कुछ होता था शायद, इनको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप देखो पास से दिख रहा है ये ऐसा करके कुछ. तो ये ना यहाँ पे स्लीव्स में यहाँ पे सीपियो का वर्क करा गया है एंड यहाँ पे नेट लगाई है. उसके बाद इसका वी नेक है एंड नेक पे भी थोड़ा ये स्टोन्स लगाए हुए हैं. बाकी लेंथ ज्यादा कुर्ते की बड़ी नहीं है, नीचे से ऊपर का ही था. तो ये तो उसका कुर्ता हो गया एंड ये आएगा इसका प्लाजो. प्लाजो पे ना यहाँ पे वर्क है, नीचे सारा व्हाइट से वर्क करा गया है, फिर कढ़ाई है मतलब ये. एंड जो इसकी नीचे की कटिंग है ना, वो भी ना कटिंग को क्या बोलते हैं यार, ऐसे ऐसे टाइप, जैसे वो दिवाली पे झालर नहीं लगाते ऐसे ऐसे, वैसे इसकी वो है. तो पॉकेट इसमें भी नहीं है एंड ये मैंने साइज मंगवाया है एल, बट ओवरऑल कपड़ा अच्छा है, मतलब कॉटन में जो चलता है ना, इस कपड़े को क्या बोलते हैं यार. तो ये भी कॉटन का कपड़ा है, एज आई सेड समर्स के लिए तो बेस्ट है ये एंड समर्स में हम इसी टाइप का सोचते हैं, प्लाजो ढीला ढीला सा कुछ मिल जाए. बाकी जो मैंने पहन के देखा आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने ट्राई करा था एंड अच्छा लगा था पहन के और इसका कपड़ा ही बहुत अच्छा है, तो मेरा रिव्यू उसके लिए अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा रहा ये वाला, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं. तो चलो गाइस, थर्ड वन देखते हैं. तो गाइस जैसे ना, मतलब मैंने औरों से सुना था ऐसा कि ना मीशो पे जो मंगवाओ ना वो नहीं आता, कुछ अच्छे कपड़े नहीं होते, बट जब मैंने मेरे तो अभी जो मैंने मंगवाए हैं ना, काफी अच्छे निकले, मतलब रेंज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है. इतनी रेंज में आता ही क्या है, इतना तो इतना तो टेलर स्टिचिंग के पैसे भी ले लेता है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये. एंड थर्ड वाला दिखाती हूँ, ये देखो. तो गाइस ये वाला जो मैं कॉट सेट दिखा रही हूँ ना, ये मेरा फेवरेट है, जब मैंने पहना ना मुझे इतना अच्छा लगा पहन के. तो गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस वाले प्रोडक्ट की ना ये है एम्ब्रॉयडरी कुर्ता पैंट कॉट सेट स्लैश करके लिखा है. इसकी रेंज पता कितनी हो सकती है, मतलब यार इतने में कुछ नहीं आता. इसकी रेंज है 455. चलो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कुर्ता है इसका
एंड इसकी स्लीव यार मतलब इतनी प्यारी है, इस पे कढ़ाई ना व्हाइट कलर की करी गई है, पीच कलर का कुर्ता है एंड इस पे ऐसे ये वर्क करा गया है, बिल्कुल कढ़ाई अच्छे से हुई हुई है इसकी व्हाइट कलर के धागे से एंड दोनों स्लीव्स पे है डिजाइन। उसके बाद नेक भी बहुत सोबर सी है, यहाँ पे छोटी सी व्हाइट लेस दी गई है, व्हाइट बटन्स लगाए हैं और जो इसका नीचे का डिजाइनिंग है ना ये तो बहुत ही प्यारा है, पहन के आप देखो वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ हमें बॉटम जो है इसकी वो है व्हाइट कलर की एंड इसका भी वही कॉटन वाला कपड़ा है बट इसका थोड़ा ट्रांजी है, मुझे लग रहा है ये मीशो वाले ना थोड़े व्हाइट कपड़े पे ज्यादा खर्चा नहीं करते, व्हाइट वाले कपड़े थोड़े ट्रांजी ट्रांजी से थोड़े पतले हैं। तो उसकी बॉटम जो है प्लेन जाएगी एंड सारा वर्क जो है वो कुर्ते पे है, बाकी कॉम्बिनेशन पीच और व्हाइट का बहुत अच्छा लगा और पहनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग जरूर से बाय करें। 455 यार इतने में कुछ नहीं आता, फोर्थ वन दिखाती हूँ। तो गाइस अभी जो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना प्लीज जल्दी अभी जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी ना जो आगे की वीडियोस आने वाली हैं बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं एंड आपको प्रोडक्ट्स तो मिलने वाले हैं ना, सच में आप लोग बोलोगे कि मिति का क्या प्रोडक्ट्स लाई है सर्च करके, वाह वाह वाह। तो गाइस मैंने ना अभी भी काफी ऑर्डर्स करे हुए हैं एंड मैं ही सोच रही थी, मैंने बहुत सारे ऑर्डर मंगवाए हैं, मुझे जो नहीं अच्छा लगेगा मैं उनको रिटर्न कर दूंगी, बट पता है क्या यार जितने भी अभी 5-6 प्रोडक्ट्स आए हैं ना मेरे को रिसीव हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा कोई भी रिटर्न करने का तो मैं सब रख रही हूँ। एंड अब जो ये फोर्थ वाला दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट हो चुका है, ये वाली ड्रेस पहन के ना मैंने ना इंस्टा पे रील डाली थी एंड सबको शायद बहुत अच्छा लगा एंड सब लोगों ने काफी सारे लोगों ने लिंक भी मांगा, हुआ क्या मीशो पे ना ये वाला ऑर्डर ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस वाले प्रोडक्ट में ना बहुत सारे फोर कलर्स अवेलेबल है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू एंड पर्पल है, वाइन सॉरी, तो ये वाइन वाला मैंने मंगवाया क्योंकि मुझे वाइन कलर बहुत पसंद है, चलो दिखाती हूँ। तो गाइस ये वाला जो कुर्ता सेट है ये जॉर्जेट में है, वाइन कलर का है एंड जो इसकी स्लीव्स आएंगी ना ये वाली स्लीव्स क्या बोलते हैं यार, अम्ब्रेला कट होता है शायद, हाँ अम्ब्रेला कट ही होता है, उत्तर है इसमें अंदर लगा हुआ और ये जो नेक पे कढ़ाई दी हुई है ये वाला जो पैच बनाया गया है ये सीक्वेंस ही तो बोलते हैं इस कढ़ाई को। तो गाइस यहाँ पे नेक में डिजाइन दिया गया है इसका सिल्वर वाली सिल्वर सितारों से ऐसा कुछ है एंड ये इसकी मतलब लेंथ इतनी लंबी नहीं है बट मतलब नी से नीचे ही आ रहा है, तो ये भी मैंने एल साइज ऑर्डर किया है। इसके साथ जो बॉटम्स आई हैं वो भी प्लेन है और बॉटम में यहाँ तक इसका अस्तर है अंदर एंड ये मतलब अच्छा लुक दे रहा है कि थोड़ा ना अस्तर ऊपर तक है एंड फिर ऐसे ट्रांसा जॉर्जेट कपड़ा नीचे आ रहा है, पॉकेट इसमें भी नहीं है, कोई नहीं चलेगा, अच्छा लगा है बहुत पहन के, तो आप वीडियो में देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है ये पहन के। साथ हमें ये दुपट्टा दिया गया है, ये भी एक प्लेन जॉर्जेट का कपड़ा है, मतलब वैसे सही है ना दुपट्टे थोड़े हैवी होते हैं लिए नहीं जाते और ये ना बहुत आराम से आप कैरी कर सकते हो। ओ गाइस मैं इसकी रेंज भूल गई ना बतानी आपको, रुको अभी बताती हूँ। तो इसकी रेंज जो होने वाली है वो 705 रुपीज, तो इस रेंज में यार इतना अच्छा मतलब एकदम एथनिक सा एंड पार्टी वेयर ड्रेस लग रही है ये, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, आप लोग सब इसको बाय करो एंड इसमें ना फोर कलर्स अवेलेबल है, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है बट आ जाएगा। बाकी गाइस सारे प्रोडक्ट्स की लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको जो भी लेना है आप उस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड को बाय कर सकते हैं। तो गाइज ये आज के मीशो हॉल का लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है एंड अभी आप टेंशन मत लो, अभी कुछ नई वीडियोस भी आएंगी जिसमें आपको और न्यू मीशो हॉल मिलेंगे, बिकॉज मैं जरा अभी आज मीशो को ज्यादा देख रही हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम आ रहे हैं एंड सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज ये वाला जो ऑर्डर है ना ये वाला मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं करा है, ये कुर्ता सेट है एंड इसका जो प्राइस है मैं बताती हूँ आपको। सो गाइज इस वाले सूट की जो रेंज है ना वो है 699 एंड ये कुर्ता सेट है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा तो मैं अभी इसको ट्राई करके आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, वो आपको ऊपर दिख जाएगी। तो देखो गाइस कॉटन का है, प्योर मतलब अच्छा है यार, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका तो, सच में अभी तक जितने भी है ना फैब्रिक सबसे अच्छा इसका ही है एंड इसकी ना स्लीव्स पे दे रखी है, देखो लेस दे रखी है, लगाई भी बहुत अच्छी है एंड ये थोड़ा टर्किश ग्रीन कहेंगे इस कलर को, यहाँ पे भी स्लीव्स पे लेस दे रखी है एंड इसकी जो नेक है वो है वी शेप की, वी शेप वाले गले अच्छे लगते हैं वैसे, प्रिंटेड फैब्रिक है कॉटन का, बहुत अच्छा है समर्स के लिए तो बहुत अच्छा है कपड़ा है ये। तो गाइस इसके साथ में ना मतलब पेंट्स नहीं है, मैंने ये वाला प्रोडक्ट इसलिए ऑर्डर किया था बिकॉज ना सारे हम लोग सूट में पेंट्स पहनते हैं,
मतलब मेरे पास ज्यादातर पेंट्स ही है, तो ये थोड़ा सलवार टाइप है। सलवार मुझे अच्छी नहीं लगती, बस मैंने पहनी नहीं कभी, बट मैंने ये वाला स्टिच कुर्ता सेट इसलिए मंगवाया बिकॉज ये सलवार अच्छी लग रही थी एंड सलवार में नीचे मोरी होती है ना ये गाइज, ये मोरी पे ना लेस लगाई हुई है एंड ये भी प्रिंटेड फैब्रिक है इसका भी। तो ये तो सलवार हो गई है एंड ये इसका ऊपर का कुर्ता सेट हो गया है, ये भी मैंने एल साइज मंगवाया था एंड ये इसके साथ जाएगा दुपट्टा, ये भी बिल्कुल प्योर कॉटन है, मतलब प्रिंटेड होता है ना आप इसको, बहुत अच्छा है, मतलब कैरी इतना बड़ा भी नहीं है बट कैरी करने में आसान रहेगा एंड ये वाले ना चुन्नी वाली संभल जाती है वरना वो गिरती रहती है, बट ये कॉटन वाली ना अच्छी रहती है। तो गाइस मेरे तरफ से तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं, सारे 6 प्रोडक्ट दिखाया मैंने आपको, 5 या 6 हाँ जो भी है, तो सबके लिए थम्स अप। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आपको प्रोडक्ट कैसे कैसे लगे, कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। तो गाइस आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन से देखना चाहते हो, मिंत्रा की देखनी है, अमेजोन की, या फिर मीशो का ही हॉल देखना है, और मेरी ये पहली वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को फॉरवर्ड करो, शेयर करो सबको यार। ओके चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।